बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप सब बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन कर लें। कंता पब्लिशर उर्दू जमात चहारम की किताब में आपको खुश आमदीद। चैप्टर नंबर आप लोग खोल लें 5, पेज नंबर है 21। आज का हमारा टॉपिक है हकायात शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। हकायात का क्या मतलब है? कहानियाँ। सबसे पहले हम मकासद पढ़ लेते हैं कि इस सबक में जो है वो हम क्या सीखेंगे। इस सबक में बयान किए गए वाक़ात की रोशनी में ज़िंदगी की हकीकतें बताना, सबक आमोज़ हकायात के ज़रिए आगाही देना, ज़िंदगी के मुतल्लिक मामलात के मुतल्लिक शऊर पैदा करना, कहानियों से सबक हासिल करने का फहम पैदा करना और इखलाकियात के अहम नुकात से वाकिफ होना, गिबत तकब्बुर नाशुक्री जैसी इखलाकी बुराइयों से बचने की आदत अपनाना। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी, आप सब ने जो है वो मेरे साथ रीडिंग करनी है। शेख हज़रत सादी शेराज़ी रहमतुल्लाह अलैह 1333 को ईरान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर ही पर हासिल की और सानवी तालीम के लिए मदारस भेजे गए। कुछ वक्त तालीम व तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे। उन्होंने अपनी हकायात को लोगों तक कहानियों और वाक़ात के ज़रिए पहुंचाया, जो आज भी हमारे लिए मशले राह हैं। मशले राह का मतलब क्या है? रास्ता दिखाने वाला, रहबर, रहनुमाई, वो मशल जिससे रास्ता दिखाया जाए। यानी इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि हज़रत सादी शेराज़ी रहमतुल्लाह अलैह 1333 को ईरान में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम यानी अपनी जो प्राइमरी की तालीम है वो घर पर ही हासिल की, प्राइमरी तक की तालीम, और सानवी तालीम आला तालीम हासिल करने के लिए मदारस भेजे गए। और कुछ वक्त वो तालीम व तदरीस के शोबे से ही वाबस्ता रहे। और उनकी जो कहानियाँ हैं, वाक़ात हैं जो उन्होंने लिखी, वो आज भी सब के लिए मशले रहा है। यानी वहाँ से हम सबक हासिल कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो है वो कुछ वाक़यात बयान किए गए हैं। सबसे पहला जो है वो वाक़या कमज़ोरों पर जुल्म। एक शख्स बहुत बेरहम था। वो गरीबों से इनकी लकड़ियाँ छीन लेता था जो वो जलाने के लिए लाते थे, और इन लकड़ियों को अमीरों के हाथ फरोख्त कर दिया करता था। गरीब इसकी इस ज्यादती पर बहुत वावेला करते थे, वावेला शोर, लेकिन वो परवाह ना करता था। उसे ये जुल्म करते देखा तो एक दिन इसके एक दोस्त ने उससे कहा कि तुझे गरीबों और कमज़ोरों के साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए। लेकिन उस शख्स ने अपने दोस्त की नसीहत पर कान ना धरा। कान ना धरा का मतलब क्या है? बिल्कुल ना सुनना। वो बदस्तूर ऐसा ही करता रहा। करना खुदा का क्या हुआ कि एक दिन उसके बावर्ची खाने में आग भड़क उठी और चश्मे ज़दन में इसका सारा घर जलकर राख का ढेर बन गया। चश्मे ज़दन का मतलब है फ़ौरन पलक झपकते ही, यानी फ़ौरन राख का ढेर यानी मिट्टी का ढेर हो गया, बन गया। वो अपने जले हुए घर के सामने बैठा आहो बका कर रहा था। आहो बका चीखना चिल्लाना के इत्तफाक से वही दोस्त उधर से गुज़रा जिसने उसे गरीबों को ना सताने की नसीहत की थी। उसने अपने दोस्त को देखा तो कहने लगा, मालूम नहीं मेरा घर किस तरह जल गया। इसने फ़ौरन जवाब दिया, ये गरीबों की आहों के धुएँ से जला है। क्या मैंने तुझे मना नहीं किया था कि गरीबों को सताकर इनकी बदुआ ना ले?
अब इस वाक्य से में क्या बताया गया है कि एक शख्स जो है वो बेरहम था, वो गरीबों से उनकी लकड़ियाँ छीन लेता था और जो वो जलाने के लिए लेकर आते थे और अमीरों के हाथों फरोख्त कर देता था, और गरीब जो है वो इसकी ज़्यादती पर बहुत शोर मचाता था लेकिन उसे कुछ परवाह ही नहीं होती थी। और एक दफ़ा इसे ये जुल्म करते देखकर उसके दोस्त ने कहा कि तुझे गरीबों और कमज़ोरों के साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने एक भी ना सुनी, बिल्कुल भी इनकी बात ना सुनी और वो इसी तरह करता आ रहा चला आ रहा था। लेकिन एक दिन अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि उसके अपने बावर्ची, जैसे कि आपकी पिक्चर में बताया गया है कि अपने बावर्ची खाने में उसकी आग जो है वो लग गई और फौरन से जो है वो पलक झपकते ही यानी फौरन देखता आंखें उठा के, और वो देखा देखते ही देखते क्या देखता है कि मिट्टी का ढेर बन गया उसका बावर्ची खाना, और अपने जले हुए जो घर है घर के सामने बैठा और फिर चीख रहा था और चला रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन उस वक़्त उसका कोई भी जो है वो मदद करने के लिए नहीं आता क्योंकि इसने भी जो है वो जुल्म किया था गरीब के साथ। और फिर क्या हुआ कि इत्तेफाक से वही आदमी गुज़रा और जिसने उसे गरीब को ना सताने की नसीहत की थी, लेकिन उसने अपने दोस्त को कहा कि मालूम नहीं कि मेरा घर कैसे जल गया, उसको पता ही नहीं है कि कैसे जल गया। उसने फौरन से जवाब दिया कि क्या मैंने नहीं कहा था आपको कि गरीबों की बदुआओं से बचो, ये गरीबों की बदुआओं से ही जो है तुम्हारा घर जला है, और मैंने तुम्हें मना करता था कि गरीबों को सताकर इनकी बदुआ ना ले। यानी अब इस अब हज़रत शेख सादी का कौल भी यही है कि लोगों को सताने वाले से ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं है, इसलिए कि मुसीबत के वक्त उसका कोई दोस्त नहीं है। और जो आदमी अपने अच्छे वक्तों में भलाई नहीं करता वो बुरे वक्तों में भी दुख ही उठाता है। यानी उसका अंजाम क्या हुआ कि खुद ही उसके साथ बुरा हो गया, खुद ही उसके घर में आग लग गई और वो गरीब के साथ बुरा कह रहा था। और कमज़ोरों पर जुल्म ना कमज़ोरों पर रहम ना खाने वाला ताकतवरों से मार खाता है। ये भी शेख सादी का एक कौल है कि जो शख्स कमज़ोरों पर रहम नहीं करता, उन पर जुल्म करता है, तो अल्लाह ताला जो ताकतवर है वो जो है वो कुछ भी कर सकता है, वो उसके साथ जुल्म कर सकता है जो कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं। तो हमें जो है इससे सबक हासिल करना चाहिए कि कमज़ोरों पर जुल्म ना करें। नेक्स्ट अगला पेज खोल लें, पेज नंबर 22। अगला वाक्या है तकब्बर का अंजाम। अब तकब्बर किसे कहते हैं? हक का इनकार करना और लोगों को हकीर जानना। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि बचपन ही से मुझे इबादत का बहुत शौक़ था, मैं अपने वालिद मोहतरम के साथ सारी रात जाकर कुरान मजीद की तिलावत करता। एक रात वालिद साहब और मैं दोनों इबादत में मशगूल थे और हमारे करीब ही कुछ लोग गाफिल पड़े सो रहे थे। मैंने इनको देखकर कहा कि इन लोगों की हालत पर अफसोस है, इनसे इतना ना हो सका कि उठकर तहज्जुद के नफल पढ़ लें। वालिद ने मेरी ये बात सुनी तो फरमाया, बेटा दूसरों को कम दर्जा ख्याल करने और उनकी बुराई करने से बेहतर था कि तू भी पढ़कर सो जाता। यानी तकब्बर हक का इनकार करना, लोगों को जो है वो हकीर जानना। अब इस सबक में क्या बयान किया जा रहा है कि शेख सादी फरमाते कि मुझे इबादत का बहुत शौक़ था और मैं रात को उठकर कुरान पाक की तिलावत करता। एक रात जब मैं इबादत में मसरूफ़ था, मशगूल का मतलब है मसरूफ़ था, तो कुछ लोग जो हैं वो गाफिल पड़े सो रहे थे। मैंने देखा कि उन लोगों की हालत पर यानी उनको इतना भी ना हो सके कि वो उठ के तहज्जुद के नफल ही पढ़ लें। यानी इसके दिल में आया कि मैं तो जो है वो नफल पढ़ रहा हूँ और ये लोग सो रहे हैं। तकब्बुर उसके दिल में थोड़ा सा आया कि मैं तो बड़ा हूँ और मैं तो अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ और दूसरों को कम दर्जा ख्याल किया। तो इस से यही सबक मिलता है कि हमें जो है वो तकब्बुर नहीं करना चाहिए और जो है वो दूसरों को कमतर नहीं समझना चाहिए। अपना काम जो है वो हमें अपना करना चाहिए और
हज़रत शेख सादी का कौल भी यही है कि वो गुनाहगार जो दुआ के लिए हाथ उठाता है उस इबादतगुजार से अच्छा है जो मगरूर है, और जो शख्स बेहूदा तकब्बुर करता है वही गर्दन के बल गिरता है। यानी उस गुनाहगार शख्स अगर दुआ करता है और इबादत गुजार उस इबादत गुजार से वो अच्छा है जो एक शख्स जो इबादत कर रहा है और अपने आप को बड़ा भी समझ रहा है, तो वो गुनाहगार ही बेहतर है जो दुआ कर रहा है।